नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टाटा साहब हमारे बीच नहीं रहे, तो लोगों के जहन में अब यह प्रश्न उठ रहा है कि टाटा साहब की कुल संपत्ति कितनी है और इस संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा। और यह प्रश्न उठना लाजमी भी है क्योंकि टाटा साहब भी अपने पिता के इकलौते पुत्र थे और फिर वे भी जीवन भर बिना शादी के रही। तो आज की वीडियो में जानते हैं आखिर कौन होगा उनकी करोड़ों की संपत्ति का हकदार। तो वीडियो के मुख्य पार्ट को जानने से पहले जान लेते हैं कि उनकी कुल संपत्ति कितनी है। तो टाटा साहब की कुल संपत्ति की बात करें तो वे करीब 3,800 करोड़ रुपए के मालिक थे और यह रिपोर्ट 2 साल पहले अर्थात 2022 की है। टाटा साहब ने विभिन्न विकट परिस्थितियों में देश सेवा के लिए टाटा ग्रुप के जरिए 2021 तक कुल $102.4 बिलियन का दान किया। अगर इसे भारतीय संख्या पद्धति में देखा जाए तो 85,99,09,12,00,000 रुपए दान किए। टाटा साहब ने अपने जीवन का कुल कमाई का 60% देश सेवा के लिए समर्पित किया। टाटा साहब कभी धनी बनने के लिए बिजनेस नहीं किया, बल्कि वे भारत को एक बेहतर राष्ट्र और बेहतर देश बनाने के लिए उन्होंने बिजनेस किया। जिस समय पूरा विश्व कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहा था और भारत में आर्थिक तंगी के साथ साथ आर्थिक संकटों से जूझ रहा था, उस समय टाटा साहब ने देश सेवा के लिए 500 करोड़ रुपए समर्पित किए थे। टाटा साहब ने अपने जीवन की कमाई का बड़ा हिस्सा परोपकार में खर्च किया। कौन होगा 3,800 करोड़ संपत्ति का मालिक? अभी जिन नामों की चर्चा चल रही है उनमें से उनके सौतेले भाई के 3 बच्चे माया टाटा, नोबेल टाटा और लिया टाटा का नाम आ रहा है और ये तीनों टाटा ग्रुप में अपनी अलग अलग जिम्मेदारी को भी निभा रहे हैं और आने वाले दिनों में इन तीनों में से एक को टाटा साहब का उत्तराधिकारी माना जाएगा। तो दोस्तों, टाटा साहब के इन अविस्मरणीय कार्यों के लिए वीडियो को लाइक अवश्य करें और टाटा जी के देश सेवा राष्ट्र सेवा के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित करने के लिए कमेंट में एक हैशटैग जरूर भेजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।